कराची और दिल्ली का बहुत नजदीकी संबंध है, ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान का दिल्ली है कराची, तो आपने इस बार न्योता दिया है, क्या कहिएगा? जी, मैंने इनको दावत दी चीफ मिनिस्टर केजरीवाल साहब को और उन्होंने कबूल कर ली। वो कह रहे थे वो कराची ज़रूर तशरीफ लाएंगे और उन्होंने कहा कि वो एक दूसरे से कराची और दिल्ली बहुत सीख सकते हैं क्योंकि वहाँ भी बहुत मसाइल हैं और क्रिएटिविटी भी बहुत है। तो मुझे उम्मीद है कि वो ज़रूर तशरीफ लाएंगे कराची लिटरेचर फेस्टिवल जो हम फरवरी 2017 में करेंगे। तो जिस तरीके का इस मर्तबा भी अनुपम खेर के आने को लेकर जिस तरीके से बवाल उठा था और तमाम मर्तबा ये विवादों के घेरे में भी आता है, तो जब केजरीवाल आएंगे तो क्या क्या उम्मीदें हैं? आपको नहीं लगता कि वो जो पॉलिटिकल सिस्टम है शायद उसको ये रास ना आए? मेरे ख्याल में केजरीवाल साहब को वीज़ा मिल जाना चाहिए और मेरे ख्याल में वो ज़रूर तशरीफ लाएंगे और उन्हें अभी जैसे आपने देखा हामी भी भर लिए हैं और ये तो एक शहर है, दूसरे शहर मैं तो चाहती हूँ कराची और दिल्ली ट्विन शहर बन जाए क्योंकि दोनों की बराबर की आबादी है, दोनों के एक ही से मसाइल हैं, ट्रांसपोर्ट है और इन्वायरमेंट है और दोनों जगह कराची भी समझिए छोटा सा पाकिस्तान है और दिल्ली भी जैसे उन्होंने कहा छोटा सा इंडिया है, तो दोनों ट्विन सिटीज बन सकते हैं और एक दूसरे से सीखना चाहिए हमें और दोस्ती करनी चाहिए। और अनुपम खेर साहब को जब वीज़ा नहीं मिला था बहुत बवाल हुआ था, अमीना आपको कैसा महसूस हो रहा था क्योंकि आप लोगों की अगर बात की जाए अनुपम खेर की तो वो कहते हैं कि वो कश्मीरी हैं, उनकी जहनीयत में पाकिस्तान बसता है, तो हाउ डू यू रिएक्ट ऑन दैट? देखिए उन्हें मैं ये कहती हूँ कि उनका ये हक नहीं है कि वीज़ा मिले, ये तो पाकिस्तान की हुकूमत का समझिए प्रेरोगेटिव है, राइट है, जिसको वो देना चाहे दें, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अगली दफ़ा पेशा मिल गया फिर अप्लाई करें, ऐसी नाराज़गी की जरूरत नहीं है। यानी आप केजरीवाल साहब आएंगे और वहाँ की जो सियासत है अगर उसको ये नागवार गुजरे तो अमीना क्या करेंगी? नहीं, मेरे ख्याल में वो जब आएंगे तो उनको बहुत खैर मकदम किया जाएगा, बहुत वेलकम करेंगे, वो मौजूद मेहमान बन के तशरीफ लाएंगे। अमीना है जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो मौजूद मेहमान होंगे, ये तो आने वाला वक्त है मिलेगा, लेकिन 2017 के लिटरेचर फेस्टिवल के लिए ये न्योता मिला है दिल्ली के लिए। क्या मतलब सुन आलोक सक्सेना के साथ